हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, अब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 5 -2, 6, 4 एंड 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो ये कि आइसोसेलस ट्राइंगल होता क्या है। इससे पहले हमने थ्री कोऑर्डिनेट को कोलिनियर प्रूफ किया था, तो कोलिनियर की कंडीशन देखी थी। अब यहाँ पे इस चैप्टर में अलग अलग फिगर आएंगे, कहीं आपको स्क्वायर प्रूफ करना होगा, कहीं आपको रॉम्बस, कहीं पैरलोग्राम। तो आपको सारे जो भी फिगर है, जो भी ट्राइंगल्स हैं या जो भी स्क्वायर पॉलीगन, जो भी पॉलीगन्स हैं, उनकी आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन दे आर कॉल्ड आइसोसेलस ट्राइंगल। तो अगर किसी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड इक्वल है, कोई भी, कोई यहाँ पे थ्री है, मैं लेट कर रही हूँ कि यहाँ पे अगर ए बी इक्वल टू ए सी आता है, तो यहाँ तब ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलस ट्राइंगल। इफ ए बी इक्वल टू ए सी देन ट्राइंगल इज एनी टू साइड, ए बी इक्वल टू बी सी भी आ सकता है और बी सी इक्वल टू ए सी भी आ सकता है, कोई भी दो साइड आ सकती है, तब वो क्या कहलाएगा, देन ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। ओके, तो ये आपको कंडीशन याद रखनी। तो सारे फिगर की कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन, जिस भी टाइप के क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी दो साइड देखनी है ट्राइंगल की, तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। तो ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी और फिर ए सी। अगर कहीं पे भी कोई भी वैल्यू इक्वल आ जाती है तो आइसोसेलस, अदरवाइज वो आइसोसेलस ट्राइंगल नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, लेट A is 5 -2, B is 6, 4 and C is 7, -2 are the given points। ये हमें यहाँ पे points given है, ठीक है। और now अब हम AB side find करते हैं, तो for, और वही डिस्टेंस फॉर्मूला लेना है हमें। फॉर ए बी के लिए हमारा एक्स वन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं 5, -2, बी के हमने लिए यहाँ पे 6, 4 और सी के यहाँ पे हमने लिए 7, -2। तो हम ए बी के डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो ये एक्स वन वाई वन हो गए और ये एक्स टू वाई टू हो गए। तो एक्स वन इज 5, y1 is -2 और एक्स टू इज 6 और y2 is 4। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, कोई भी दो पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने लिखना है x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूला ले लिया, ये यहाँ पे है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ओके, नाउ ए बी के लिए फाइंड करें, तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी इक्वल के लिए एक्स टू हमारा कितना है यहाँ पे 6, एक्स वन कितना है हमारा यहाँ 5, तो x2 - x1 का स्क्वायर + y2 हमारा यहाँ कितना है 4 और y1 कितना है यहाँ पे -2। तो इसको ब्रैकेट को बड़ा बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे -2 राइट करना है और ये स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व किया, तो ये हमारा हो गया 6 - 5 हो गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो ये हो गया 4 + 2 का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 + 2 हमारा कितना हो गया 6, तो ये हमारा 6 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा हो गया 1 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 + 1 कितना हो गया 37। तो यही इतना ही आएगा डिस्टेंस, तो हमारी इतनी ही आएगी क्योंकि इसके बाद तो ये हमारा प्राइम नंबर है, तो ये तो कोई सॉल्व होगा नहीं, 37 तो किसी के फैक्टर में आता नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे 37 को 37 ही रहने देंगे। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं बी सी, बी सी साइड फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर BC, तो BC के लिए ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो x1 is 6, y1 is 4, x2 is 7 और y2 is -2 हो गया। नाउ ये सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो BC इक्वल टू √x2 - x1, तो ये हमारा हो गया 7 - 6, ये हमारा x2 है x1 है स्क्वायर,
प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू हमारा माइनस टू, फिर आइडेंटिटी का माइनस, और वाई वन कितना है फोर, तो ये हमारा स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा सेवन माइनस सिक्स तो हो गया वन, तो वन का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो फोर प्लस टू हमारा सिक्स हो गया, लेकिन साइन यहाँ पे हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन आएगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो गया वन स्क्वायर इज वन, सेम वही माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, चाहे यहाँ पे सिक्स का स्क्वायर हो या माइनस सिक्स का स्क्वायर हो, थर्टी सिक्स ही आएगा, तो ये हमारा हो गया 36, क्यों, क्योंकि माइनस सिक्स इंटू माइनस सिक्स, तो माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस, और सिक्स इंटू सिक्स हो गया 36, तो वन प्लस 36 हमारा हो गया 37, तो अब यहाँ पे देखो ए बी भी हमारा रूट 37 आ रहा है और बी सी भी हमारा रूट 37 आ रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि एनी टू साइड्स अगर इक्वल हो जाती है तो अब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यहाँ पे तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो हमें नेक्स्ट प्रूफ करने की, नेक्स्ट जो हमारी ए सी रह गई है वो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि दो साइड इक्वल हो गई है, तो हमें थर्ड यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लियरली क्लियरली ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू अंडर रूट 37 है, ये दोनों साइड हमारी क्या आ रही है इक्वल आ रही है, तो देयर फॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हैंड्स प्रूफ, बहुत इजी है, सारे फिगर की प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, तो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया है, अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।